प्यारे दोस्तों, आज हमारे वर्कर मुख्तियार जी आए हुए हैं। इन्होंने ये जो बिल्डिंग है में एज ए वर्कर काम किया है, बहुत मेहनती हैं तथा दिन रात एक करके ये काम करते हैं। तथा आज से 29 दिसंबर को ये है अंबाले में कुछ काम के लिए गए थे, तो ट्रेन पे जा रहे हैं पैसेंजर में, तो एक लोहा का सामान पड़ा था, ये बेचारे बैठे थे वहां। तो पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि ये जो है आपने उठाया है। इन्होंने कहा हमारा नहीं है। तो इनके ऊपर पुलिस वालों ने चोरी पर इल्जाम लगा दिया और उस हिसाब से इनको 1.5 महीना जेल में रहना पड़ा। अब आप जानते ही हो ये लेबर व्यक्ति हैं, 300 रुपये दिहाड़ी के ऊपर यहाँ इतनी दूर से आते हैं, काम करते हैं, तथा 1.5 महीना काम ना करने की वजह से इनका 14,000 रुपये का घाटा हो गया है। अगर यह 14 दिन काम करते तो इनको 14,000 मिलना चाहिए था। कोई बात भी नहीं है, अब इनको 1.5 महीने के बाद रिहा कर दिया गया है। जो जेल में है, आप ये बताइए कि वहां भोजन कैसा दिया जाता है जेल में? सब्जी जो है वो अच्छी नहीं, दोबारा लगाना पड़ता था, अच्छी नहीं देते थे। और क्या आपको कोई तनख्वाह भी मिली है 1.5 महीना आप अंदर रहे हो? नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिला। और क्या ये सिद्ध हुआ है कि जो उन्होंने केस किया था कोई सिद्ध किया? उन्होंने कोई सिद्ध भी नहीं किया, बिना किसी कानूनी कार्यवाही से इनको अंदर रखा। 1.5 महीने इनका लॉस हुआ है। हम सरकार से यह अरदास करते हैं कि इनको 1.5 महीने के जो तनख्वाह बनती है लेबर, ठीक है, कानून के हिसाब से 14,000 रुपये दिए जाएं, ठीक है ना? और अभी तक नहीं दिए। नहीं जब दिए। आपका केस नहीं बना, जब आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, आप इतने सालों से यहाँ रह रही हो, ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो कि वहां मतलब कोई दिक्कत आई जेल में, कितने कोई गाली गोली निकालते थे या कुछ गलत तो नहीं बोलते थे या? नहीं, कोई आपको टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं, नहीं, जे जब मैं उधर से आया निकल के, हाँ, उस समय मेरे को उन्होंने मतलब एक चलान दिया था, अच्छा, 700 रुपये का चलान जुर्माना पा रखा। अच्छा पहले मैंने पूछा भी, फिर वैसे मैंने भरा नहीं। अच्छा मेरे को किसी लड़के ने बता दिया अभी अच्छा मैं अपनी 1.5 महीना तक कस्टडी भी हो गई है। 1.5 महीना अपनी मतलब अपनी दिहाड़ी भी लाई जाए तो अपना 14,000 रुपया बन रहा, 15,000 रुपया क्यों, 700 रुपया क्यों पर ये, हाँ, इसका केस यू पर है। जो देखो आप जानती ही हो कि पिछले 10-15 सालों से आप लेबर कर रही हो और बिल्कुल शरीफ है, ठीक है, आज तक कहीं भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, इतने शरीफ है। आम में घर में कम से कम 10 बार तो ये काम कर चुके हैं, बहुत ईमानदारी से आराम से काम करते रहते हैं। अभी भी मैं कहीं गया हुआ था, ये काम कर रहे थे, ठीक है, तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे जो लोग गलत रिपोर्ट पे, चोर कोई और था और हमारे जे जो मेहनती व्यक्ति हैं, सजा इनको मिल गई है, ये गलत हुआ है, इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। ओके।